association with Salman Khan. Like, of course, he's known as a superstar, and he may not be the best technical dancer, but of course, उनका अपना एक स्टाइल है जो लोगों को इतना पसंद है. So, what has that experience been like? Salman sir and my relation is not today's or 4 years back, or it's not started from Prem Ratan Dhan Payo. My first film, if you remember Ganesh Hegde, my assistant ka first day of shoot, my first star was Salman Khan. I didn't know that time that he's Salman Khan because we were kids and we were not allowed to watch TV. घर में TV नहीं होता था और हम कभी देख भी नहीं पाते थे और allowed भी नहीं था. उसके बाद एज एन असिस्टेंट जुड़वा, गणेश आचार्य जी की सारी, उनकी सारी फिल्में वही करते थे. तो एक एक जर्नी रही मेरी उनके साथ. आई न्यू दैट हाउ ही वुड लाइक मी टू टीच हिम. जो मैंने असिस्टेंट पीरियड में हर एक मास्टर के साथ काम किया, सलमान खान वॉज हीरो. गणेश मास्टर जी के साथ मैक्सिमम ईयर्स मैंने काम किया, उसमें दो ही हीरो से ज़्यादा, तीन हीरो, गोविंदा, सनी देओल, सलमान खान, अजय देवगन एंड संजय दत्त. तो सलमान खान के वो फेवरेट मास्टर होते थे, तो उनकी सारी फिल्म में मैं असिस्ट कर रही होती थी. तो मुझे पता था कि इन्हें कैसे सिखाना है, क्या करना है. तो एक रैपो जो बनता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑलरेडी बन चुका था. देन ही कॉल मी फॉर जय हो, दबंग, यू नो, मस मस दो नैन, स्टार्टेड दैट. देन ही कॉल मी फॉर जय हो, ही गेव मी वन सॉन्ग इन जय हो कि चलो करते हैं, जय हो किया. तो वो एक जो कम्फर्ट लेवल होता है एक इतने बड़े स्टार के साथ बात करने का, उन्हें समझाने का, अगर मैं उन्हें समझूं नहीं तो उनके स्टेप्स कैसे कंपोज करूं. सभी करते हैं उनके गाने, बट आई डू इट विद लॉट्स ऑफ ईज बिकॉज वर्क विद हिम फॉर सो मेनी ईयर्स एज एन असिस्टेंट. यू नो, मैं लड़की थी लेकिन उन्हें मैं सिखाती थी. मैक्सिमम एक्टर्स को मैं सिखाती थी, लड़की थी फिर भी. जब प्रेम रतन धन पायो जैसी इतनी बड़ी फिल्म हुई तो वो कम्फर्ट जोन दिखाई दिया. यू नो, ही वॉज वेरी कम्फर्टेबल. सरोज सूरज बरजातिया जी वॉज कम्फर्टेबल. आई वॉज कम्फर्टेबल टू कोरियोग्राफ इट. सो यू बिकम कम्फर्टेबल वेन यू नो योर एक्टर, यू नो हिज वर्किंग स्टाइल, यू नो हिज बॉडी लैंग्वेज. सो वॉट ही डज इट विथ हिज बॉडी लैंग्वेज, ईज इन हिज बॉडी लैंग्वेज. तो उन्होंने अपना एक स्टाइल क्रिएट कर लिया. ही डजंट कम ऑन रिहर्सल हॉल ऑल्सो, तो आई नो दैट बिकॉज आई बीन वर्किंग विथ हिम. तो उनके लिए मैं ऑप्शन में स्टेप्स करके जाती हूँ. And then I know whatever is the best, he will choose that, so that I don't waste time on location. And then वो steps choose करते हैं, and then we do. तो बहुत ज़्यादा comfort zone है. आज भी मैं जब उनका गाना करती हूँ, कैमरे के नीचे उनके लिए steps करती हूँ. I like it. He says, he started calling me ma'am. He is such a brilliant human being also. कि set पे उनको पता है, वो मुझे हमेशा शबीना बोलते थे, शबीना सुनो. लेकिन जब मैं मास्टर बन गई और उनके साथ काम करने लगी, ही सच अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग दैट ही स्टार्ट कॉलिंग मी मैम. सर प्लीज सर, आप मुझे मैम मत बोलिए. तो ही सर, जो मैं बोलूँगा वो सब बोलेंगे. सो ही गिव्स दैट रिस्पेक्ट टू वुमेन वर्किंग ऑन सेट. एंड आई स्टिल गो एंड डांस. दिस इज ओके, डोंट, बट आई लाइक इट. दैट्स माई लव फॉर हिम. एंड आई स्टिल गो एंड डांस अंडर कैमरा के बाजू में डांस करती हूँ. ही डज द शॉर्ट्स बिहाइंड. तो वो कम्फर्ट जोन है, इसलिए शायद इतने गानों में भी वो दिखाई देता है, यू नो. सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन.